उज्जैन के भाजपा कार्यकर्ता से गाली गलौज करने के मामले को लेकर पुलिस ने भाजपा नेत्री सृष्टा जोशी के खिलाफ जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। सृष्टा जोशी के खिलाफ युवा मोर्चा कार्यकर्ता लखन चौहान ने पिछले दिनों आईजी और एसपी को वायरल ऑडियो के प्रमाण सहित शिकायत की थी, जहां मामले में जांच के बाद प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए। वहीं बीती रात जोशी पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप जमकर वायरल हुआ था। यह ऑडियो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री सृष्टा जोशी का है। मामले में संज्ञान लेते हुए पार्टी ने संज्ञान लेते हुए सृष्टा को पद से हटा दिया था, साथ ही नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा था। दरअसल भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री सृष्टा जोशी का उज्जैन भाजयुमो के मंडल उपाध्यक्ष लखन चौहान से फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद हो गया था। विवाद की शुरुआत फेसबुक पर जातिगत विषय पर चल रही चर्चा के दौरान हुई। इसमें सृष्टा ने कुछ लिखा तो लखन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बात इतनी बढ़ गई कि सृष्टा ने किसी व्यक्ति के माध्यम से सीधे लखन को फोन लगाया और लखन को धमकी देते हुए गाली गलौज किया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सृष्टा ने अपने पोस्ट को हटा दिया था। मामले में लखन के साथ कुछ लोगों ने बाद में मारपीट भी की, जिसके बाद लखन ने आईजी और एसपी को शिकायत की थी, जहां उज्जैन रेंज आईजी ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। जहां अजाक थाना पुलिस ने सृष्टा जोशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो है लखन पिता तोला जी और निवासी भैरवगढ़, इनके द्वारा जो है एक आवेदन पत्र जो है वरिष्ठ कार्यालय से आया हुआ था जांच के लिए, और उसमें वीडियो वगैरह जो है ऑडियो वीडियो और जो है दस्तावेज लगे हुए थे। उनके द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया था सृष्टा जोशी द्वारा जो है अश्लील टिप्पणियां करके वो अश्लील गालियां दी गई हैं, जिस पर से जो है एजे के थाना के अधिकारी हमें जांच करी है, और जांच पर से जो है इसमें उनके विरुद्ध जो है अपराध सिद्ध पाया गया, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कल किया गया है। इसमें 294/506 IPC की है, 3(1)U और 3(1)B महान पुरुषों के विरुद्ध तीखी टिप्पणी करना, जान से मारने की धमकी, 294 अश्लील गालियां देना और एट्रोसिटी एक्ट के तहत इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है। अभी चूंकि विवेचना हो रही है, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, आवेदक के आज मैं ले जाके कार्रवाई करूँगी और जो से वो दस्तावेज पेश करते हैं उसी हिसाब से फिर प्रकरण और सिद्ध पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।